हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर और फूल गोभी की सब्जी। दोस्तों, गाजर और फूल गोभी की सब्जी बहुत ही लाजवाब बनती है। इसकी हम गाजर और गोभी की फ्राई सब्जी बनाएंगे आज। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, ये देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हो, ये हमने आधा केजी गोभी लिए हैं और इनको बिल्कुल पानी से साफ़ कर काट लिया जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये 250 ग्राम हमने गाजर लिए हैं, इनको भी हमने पानी से साफ़ कर काट लिया है। दो छोटे प्याज हमने काट लिए हैं, दो टमाटर कट कर लिए हैं एक कटोरी के अंदर, एक छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है, छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया हमने, 8 से 10 कलियां लहसुन की इनको बारीक पीस लिया है हमने, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, 1 बड़ी चम्मच सरसों का तेल लिया है, आप रिफाइंड तेल भी यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम गैस को स्टार्ट करते हैं। ये गैस को स्टार्ट कर लिया हमने और अब इसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे। ये देखिए, कढ़ाई हमने रख दी है और कढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देते हैं। उसके बाद इसके अंदर तेल डालेंगे। अब हमारी कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो चुकी है और अब हम इसके अंदर सरसों का तेल डालेंगे। ये देखिए, सरसों का तेल हमने डाल दिया है और इसको बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद इसके अंदर जीरा डालेंगे। हमारा तेल गर्म होता है तब तक हम सभी मसालों को एक बड़ी कटोरी में मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने एक बड़ी कटोरी ली है, इसके अंदर सभी मसालों को मिक्स करेंगे। सबसे पहले मिर्ची पाउडर डालेंगे इसके अंदर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, लहसुन डालेंगे, लहसुन का जो पेस्ट बना रखा हमने वो डालेंगे इसके अंदर। और अब थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर, ये हमने पानी को डाल दिया है, और चम्मच से बिल्कुल अच्छे से सभी मसालों को मिक्स कर देंगे, इनका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया हमने सभी मसालों को। अब हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है और अब हम इसके अंदर जीरा डालेंगे। ये देखिए, हमने जीरे को डाल दिया है और जीरा हमारा धीरे धीरे पक रहा है। जीरे को पकने देते हैं, तब तक कि इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाए तब तक पकाना है हमें जीरे को। अब हमारा जीरा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है और अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। देखिए, प्याज को बिल्कुल अच्छे अच्छे पकने देना है ब्राउन होने तक। ये देखिए, जो हमारे प्याज हैं वो बिल्कुल पक चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। और अब हम गोभी डालेंगे इसके अंदर, गोभी को फ्राई, गाजर डालेंगे, गाजर को फ्राई करना है। ये देखिए, गाजर हमने डाल दिए इसके अंदर और गाजर को बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है हमें। अब हम इसके अंदर गोभी डालेंगे। ये देखिए, गोभी को हमने डाल दिया है और गोभी को भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई होने देना है तेल के अंदर। गाजर और गोभी को बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। बहुत ही लाजवाब सब्जी बनने वाला है, तो वीडियो में लगातार बने रहें। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे गाजर और गोभी है वो बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, उनका कलर ब्राउन हो चुका है। और अब हम इसके अंदर मसाला डालेंगे। ये देखिए, पूरे मसाले को एक साथ डालना है और चम्मच से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा मसाला बिल्कुल पक चुका है और गोभी और गाजर के अंदर बिल्कुल मिक्स हो चुका है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे और टमाटर को बिल्कुल अच्छे से चम्मच की सहायता से मिक्स कर देंगे। बहुत ही लाजवाब सब्जी बनने वाली है दोस्तों, 8 से 10 मिनट में, मात्र 8 से 10 मिनट का प्रोसेस होता है।
गोभी और गाजर की फ्राई सब्जी बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों, और बेल बटन को भी दबा दें जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें। तो वीडियो में लगातार बने रहें, मात्र 4 से 5 मिनट और लगेंगे अब हमें सब्ज़ी बनाने में। 4 से 5 मिनट में बिल्कुल सब्ज़ी बनकर तैयार होने वाली है। अब हमारा जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल बनकर तैयार है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमने 4-5 मिनट ऊपर से ढक्कन लगाकर इसे पकाया था और बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी बना है हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब हम इस सब्ज़ी को अलग बर्तन में। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो हमारा गोभी और गाजर का फ्राई सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। मसालेदार सब्जी, बहुत ही लाजवाब सब्जी बना है हमारा। और थोड़ा सा हमने हरा धनिया भी डाल दिया इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और बेल बटन को जरूर दबाएँ जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद।